किसी कांटे का टारगेट पूरा नहीं हो रहा, उसके बाद भी किसान परेशान है, तो तुम क्या कर रहे हो जी? वो मेहनत करके बेचारा ट्रॉली करके ले आया, अब कहो पंजीकरण नहीं ले आया, जाओ वापस, उसकी गलती है। नहीं, तुम्हारे पास की नहीं हो रहा है तो हमें आना पड़ेगा, हम रोज आएंगे, किसान हमारे लिए सबसे ऊपर है। जनपद पीलीभीत में भारी संख्या में है धान के किसान हैं और धान की मात्रा और उपज काफ़ी अच्छी होती है। इसको देखते हुए ये ज़रूरी था कि जो सरकार की नीति है जिसके हिसाब से हर किसान को MSP पे है मिलना चाहिए, MSP पे उसका धान का क्रय होना चाहिए है, उसको ज़मीन पे उतारने की कोशिश करी गई है। खासकर हमारी जो तीनों मंडियां हैं, पूरनपुर, बीसलपुर और पीलीभीत की मंडी ही, यहाँ पे एक व्यवस्था लगाई गई है जिसमें हमारे सरकारी क्रय केंद्र प्राथमिकता से शेड के अंदर रहें, उन पे नंबर्स लगाए गए हैं, काउंटर की तरह से उसमें सिस्टम लगाया गया है, जो भी वहाँ पे ट्रॉलियाँ आती हैं उनको गेट से ही उन केंद्रों की तरफ भेजा जाता है, जिससे बिचौलिए या अन्य व्यक्ति है उनको अपनी तरफ आकर्षित ना कर पाए हैं। उन केंद्रों पे कांटों की संख्या बढ़ाई गई है, ये देखा गया कि आवक बहुत ज़्यादा है इसलिए कांटे बढ़ाए गए। वहाँ पे मजिस्ट्रेट की तैनाती तीनों मंडियों में अलग अलग करी गई है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर शाम तक सही किसानों से सही मात्रा में है तौल होते हुए वहाँ पे क्रय करा जाए। इसके सिवा जितने भी हमारे बाहर के अन्य केंद्र पड़ते हैं उन पे भी लेखपालों को नोडल के रूप में लगाया गया है, एक कंट्रोल रूम स्थापित करा गया है जिसको मजिस्ट्रेट देखते हैं और उस कंट्रोल रूम के माध्यम से है उस हलके के जो किसान भाई हैं उनसे संपर्क करा जाता है। हर किसान भाई को ये बताया जाता है कि सरकारी मूल्य क्या है और उसके पास निकटतम केंद्र कौन सा पड़ेगा। इन केंद्रों पे किसानों को फ़ोन करके बुलाया जा रहा है और लेखपालों को बताया गया है कि वो अपने केंद्र पे जब ड्यूटी करें तो उनका काम सिर्फ वहाँ बैठना नहीं है, उन किसान भाइयों को कॉल करके अगले दिन या उसके अगले दिन नंबर लगाते हुए वहाँ बुलाना है और उनकी तौल कराना है। साथ ही साथ कुछ चीज़ों को तोड़ने के प्रयास भी करे गए हैं, जिन लोगों ने गलत कार्य करे थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करी गई हैं, हम लोगों ने लगभग 8 FIRs के इन प्रभारियों के खिलाफ कराई है, कुछ राइस मिल्स की जहाँ संलिप्तता पाई गई उस राइस मिल्स को ब्लैकलिस्ट भी करा है, उनके खिलाफ FIR कराई गई है, उनके चरित्र और हैसियत प्रमाण पत्र कैंसिल करे गए हैं, लगातार राइस मिल्स की भी चेकिंग कराई जा रही है कि वहाँ पे है किसी अन्य तरीके से धान या धान के एकत्रण ना हो, और ये देखा जा रहा है कि नियम के हिसाब से उनके द्वारा CMR FCI को भेजा जाए। एक पूरे प्रकरण में एक तो बड़े किसान हैं जिनके पास 100-150 एकड़ जमीन है, 100-200-300 कुंटल वो धान कटी अमाउंट पैदा करते हैं, दूसरे हैं जो 10 से लेकर 50-60 तक है, तो छोटे वाले इस दौर में देखिए उनके पास पैसे का भी रहता है, परिवहन के संसाधन नहीं होते उनके लिए कैसे। प्रदेश सरकार की जो प्राथमिकता है कि छोटा किसान, लघु सीमांत किसान, उसका धान का क्रय बिल्कुल प्राथमिकता पे हो और उसको MSP पे ही लिया जाए, इसको देखते हुए सभी केंद्रों पे एक व्यवस्था बनाई गई है कि यदि छोटा किसान वहाँ पे आता है तो प्राथमिकता पे पहले उसके धान के तौल होनी चाहिए। इसी तरह जो 100 कुंटल से ज़्यादा लोग बेच रहे हैं उनकी ही विशेष टीमों के द्वारा गांव में जाकर सत्यापन कराया जा रहा है कि वो वास्तविक किसान हैं या नहीं हैं, और यदि अन्यथा की स्थिति पाई जा रही है तो उसमें भी FIR कराई जा रही है। तो इस तरह से ध्यान ये दिया जा रहा है कि हम लोग छोटे किसानों तक पहुंचें और उनको सरकारी रेट दिला सकें। एक आपने से मैं कल मंडी में गया था, यहाँ आने से पहले मैं पीलीभीत में घुसी रहा था, तो पता चला कि जो किसान है उसको ये कहना था कि दो दवाई सुन रहा है, ये किसान का ये कहना था कि देखिए हम यहाँ तक आ गए भले मुझे समय लगा लेकिन मेरा धान तोला जाएगी, ये सेफ्टी है और मुझे लगा ये बड़ी चीज़ है। दूसरा है कि कुछ लोगों की समस्या ये थी कि हमारे बेटे बाहर है या जमीन की सेवा के नाते क्योंकि भारत में ये थोड़ा ज़्यादा है इन दोनों समस्याएं जो हमारे संज्ञान में भी हैं प्रशासन के हैं, इसके लिए मंडियों में कांटे और बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया शुरुआती दौर में सिर्फ 2 ही कांटे थे लेकिन अब उनको कांटों को बढ़ाया जाएगा और वहाँ पे सुखाने की जगह भी दी गई थी शुरू में है, तो धीरे धीरे जैसे मंडी से अब धान मिल्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पे जगह और बनती जा रही है, तो जो किसानों की कतारें वहाँ पे लग रही हैं उसको हम लोग इस तरह से दूर करा रहे हैं। कांटों की संख्या बढ़ेगी तो तौल ज़्यादा होगी ही, इसी तरह जो किसान भाइयों के कुछ लोग बाहर हैं उनका भी जैसे नियम है तो नियम के हिसाब से वो जब कागज़ दिखा रहे हैं तो उनकी भी वहाँ पे तौल कराई जा रही है।
एक लास्ट सवाल था कि जो आपके यहाँ धान ज्यादा है तो मिलर्स भी ज्यादा आते हैं, मिलर्स का था कि उनके साथ भी कई सारी दिक्कतें आ रही, चाहे वो खरीद में बोरों को लेकर या उनके जो नमी और क्या कहते हैं केंद्र प्रभारी है सर आपका दबाव है, जो भी कहते हैं उन तक वो अच्छे क्वालिटी का माल नहीं पहुँच रहा है, फिर वो लोग दबाव में है। तो मिलर्स से भी मेरे द्वारा अलग से बैठक करी गई थी और मिलर्स को भी जो शासन की नीति है उससे अवगत कराया गया, साथ ही साथ केंद्रों पे जो धान आ रहा है उसकी एक चेकिंग कराई जा रही है कि क्या उससे सही गुणवत्ता का हमें चावल मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, तो मिलर्स से ये बात भी करी गई थी और मिलर्स को भी ये कहा गया है कि जो सरकारी सिस्टम है धान खरीद का उसमें सहयोग कर रहे हैं और उनके द्वारा भी अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से हलिंग होनी चाहिए और उसको FCI में है नियमित रूप से भेजा जाना चाहिए, इसकी भी कंट्रोल रूम के माध्यम से समीक्षा करी जा रही है कि कौन सी मिल का परफॉर्मेंस कैसा है और मिल से भी लगातार बात करके इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू बनाया जा रहा है।